तो मैं जो कह रहा था, वृंदावन में आने के बाद क्या क्या परेशानी में हमको भुगतना होता, सबसे सबसे ज्यादा परेशानी जो होता वो है हमारी वृंदावन के जो प्यारे बंदर जी। हाँ, बंदर जी बहुत परेशानी करते रहते। ये जो मैं वीडियो बना रहा ना, ये अभी बहुत सारे रिस्क में है। अगर बंदर भैया अगर इधर इधर से देख रहे होंगे तो हमारी वो फोन छीन लेंगे, तो बहुत बहुत केयरफुल रहना होगा, बंदर से बचाना पड़ेगा। और सिर्फ फोन नहीं, आपकी चश्मा, वो इधर से आपके पीछे से आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो आके तुरंत आपकी चश्मा लेकर और तुरंत वो पतले गले से निकल जाए। जब तक आप उसको जूस नहीं दोगे, उसको कुछ नहीं खिलाओगे, तब तक वो नहीं देंगे। तो वो देने के बाद भी दिखाई दे तो वो क्या करते, उसको तोड़ते रहते, उसको चबाते रहते, तब तक तो भाई गया। तो इसलिए चश्मा केयरफुल रखना, फ़ोन भी केयरफुल रखना, और क्या कहते हैं आपके जो पर्स बैग वगैरह पैसा वगैरह वो भी आपको केयरफुल रखना होगा। या आपके पास क्या कहते हैं वो समझ जाते हैं आपने ऑटोमेटिकली, कौन सा यहाँ नया बंदा है, कौन सा यहाँ के रेगुलर बंदा है, हाँ कौन लोकल है, जो नया उसको अच्छे से बताओ। और लेडीज़ लोग, माता लोगों को तो बिल्कुल कदरत नहीं करते, उनको तो बिल्कुल छोड़ते नहीं। हाँ, इन सबको बहुत परेशानी करते माता लोगों को। जेंट्स लोग को थोड़ा भी डर जाता पर माता लोग को नहीं डरता। देखो मेरे ऊपर से, तो देखो बंदर भैया वो मेरे ऊपर से इधर आ गया, क्या बंदर भैया। तो बहुत परेशानी हो जाते हैं। तो ये आपके मोबाइल आपके चश्मा, आपके क्या करते फ़ोन, आपके फ़ोन मोबाइल फ़ोन, चश्मा और आपके पार्ट्स, ये सारी चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान से रखना पड़ेगी। और जो भी कहते आप, अगर जैसे देखो आप लोग कुछ खाने के लिए कुछ खाना लिए हूँ या कोई जगह में बैठ के खा रही हूँ, वो भी आपको सोच समझ के अच्छी जगह में बैठ के खाना होगा, नहीं तो बंदर वो भी परेशानी कर देंगे। और भाई मैं ये भी बताऊँगा, यहाँ आने के बाद सभी को बहुत परेशानी होता है। अरे सभी लोग सोचते वृंदावन धाम जाऊँगा कैसे जाऊँगा कैसे, एक बंदर भाई अगर आ जाएगा तो वीडियो में अच्छे होता। तो देखो, देख रहे हो ना पेड़ के ऊपर, मेरे सिर के ऊपर देखो, वो देखो ठीक है। तो मैं और भी अच्छे बंदर की वीडियो बना के दिखा देंगे, ऑलरेडी है मेरे पास। आप लोग काफ़ी लाइक भी करते हैं, काफ़ी व्यूज़ भी आ रहा है बंदर की वीडियो में। देखो ये मेरे पीछे से। तो सबसे प्यारे है बंदर, बहुत अच्छे लगते, पर क्षति पहुँचाते ना, सामान ले जाते, वही दिक्कत है। तो वृंदावन में आने के बाद जो और भी परेशानी भोगतना है वो है क्या है, कहाँ से कैसे जाना, क्या करना क्या नहीं करना, वो सारी चीज़ आपको जानना चाहिए। तो वो सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने के लिए कोशिश करूँगा। उम्मीद करते हैं अगर आप लोग इसको स्क्रिप्ट ना करते हुए अगर देखेंगे तो। देखो बंदर भैया, ये बंदर भैया, जय बंदर भैया। तो अगर इस वीडियो की स्क्रिप्ट ना करते हुए अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएंगे। देखो आप जहाँ से भी आओ वृंदावन के, हैं पहले आपको सबसे पहले चट्टी करा आना होगा। चट्टी करा आने के बाद, वहाँ उतरने के बाद, वहाँ से आपको ऑटो पकड़ना पड़ेगा। देखो वहाँ बहुत सारे ऑटो वाला, वो आपको बहुत परेशानी करेंगे, उन सभी को बाद में आप मत जाना। हा? और मैं उन सभी को निंदा भी नहीं करूँगा, वो उन लोगों की पेशा है हर जगह में। हाँ, इन लोग बहुत परेशानी करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमको ऐसे मिलते जिन लोग क्या करते थे, ज़्यादा पैसा क्या करते हैं लोगों से मांगते रहे थे। जैसे आप देखो, आपको वहाँ से, आप छठी ग्रह से यहाँ वृंदावन आना है तो आपको 10-10 रुपये सवारी में मिल जाते हैं, कभी कभी 20 रुपये हो जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो वहाँ लोग डिमांड रखते, क्यों वहाँ डिमांड रखते, आपको मल्टी लेवल पार्क जहाँ पे आने के बाद आपको गाड़ी और क्रॉस करने नहीं देते, वहाँ से आगे आने नहीं देते। तो फिर उसकी थोड़ा आगे से लोगों ने क्या करते, ड्राइविंग लोग रुक्मिणी विहार की अंदर से साइड से, हाँ उन लोग क्या करते घूम के पूरा उधर पतंजलि होकर, हाँ शौकुटा, हाँ रास्ता होकर उधर से वृंदावन निकल के आ जाते। तो शौकुटा होकर वहाँ आ जाते। तो आने के बाद वहाँ से आपको अगर शौकुटा होकर आप आओगे तो फिर भी आपको 20 रुपये या 30 रुपये लगेगा एक सवारी। तो ये भी बात सही है, अगर उसकी जो टैक्सी है ना वो अगर बुकिंग नहीं होगा तो अगर निकल जाएंगे तो वहाँ से उसका नुकसान ही माना जाते। तो उसका नुकसान नहीं होने के लिए वो क्या करते थे, वो बंदा सबसे ज़्यादा डिमांड करते। तो इसमें हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसे लगाएंगे, हमको हड़बड़ नहीं करना, हमको जानकारी दे। तो वो जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में दे रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से सुने। तो आपको सबसे पहले छठी ग्रह आने के बाद वहाँ से आप 10 रुपये सवारी करके वहाँ से टैक्सी पकड़ लो, प्राइवेट मत पकड़ लो। प्राइवेट अगर पकड़ लोगे ना आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा होगा। 10-10 रुपये हाँ ले लो और फिर देखो अगर आपको वहाँ उतर देंगे तो कहाँ मल्टी लेवल, फिर चलो यहाँ उतर जाओ, फिर उसको पैदल में आप क्रॉस कर लो। क्रॉस करने के बाद फिर वहाँ से देखा जाए तो एक और परेशानी, क्या परेशानी है,
वहाँ परेशानी उन लोग वहाँ से प्रेम मंदिर तक आपको 100 रुपये मांगते हैं डिमांड एक बंदा की। एक्चुअली वहाँ से 100 रुपये नहीं है, वहाँ आप पैदल में भी अगर जाओगे तो आपको 5-6 मिनट में आप वहाँ पहुँच जाओगे अगर तेज़ी से भागोगे तो। वृंदावन में गर्मी के मौसम में काफ़ी गर्मी रहते, ठंडी के मौसम में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठंडी तो हर लोग एडजस्ट कर सकते, पर गर्मी बहुत दिक्कत हो जाती। तो आप ये कर सकते जो टमटम वाला है ना, उन लोगों से अच्छे से बात करना पड़ेगा, 10-10 रुपये सवारी लेंगे, वहाँ से ज़्यादा नहीं लेंगे प्रेम मंदिर। फिर वहाँ आने के बाद आपको इस्कॉन पुलिस चौकी मिलता है, इस्कॉन पुलिस चौकी आने के बाद आप वहाँ से कोई भी जगह में आप जा सकते, आप चाहे तो उधर विद्यापीठ चौरा होकर भी बाकी बिहारी जा सकते, राधा रमन निधिवन, रंगजी मंदिर का, कात्यायनी मंदिर, नगर निगम, ये सारे आप दर्शन, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा दामोदर, सभी चीज़ दर्शन कर सकते। पर उधर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, अगर उधर जाना है तो आप क्या करो, उधर उधर नहीं जाने से सबसे बेस्ट रहते हैं, क्योंकि देखो हर जगह में पार्किंग है, तो आप पार्किंग अलग अलग जगह में अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था होता तो वो भी आप चाहे तो करेंगे तो अच्छे होगा। एक जगह में अगर पार्किंग करके आप करोगे तो आपकी नुकसान हो जाएगी, और कभी कभी क्या होता है यहाँ पे कोई कोई जगह में गाड़ी रुका देते, तो मैं अलग अलग वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूँगा। तो इतना सा जानकारी आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को अगर अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सबके पास भेजो, इसमें डेली आपको वृंदावनम दर्शन मिलेंगे। तो आपको बाकी बिहारी कैसे आना है, फिर यहाँ से आप पुलिस चौकी आ गया, पुलिस चौकी से आप यहाँ परिक्रमा मार्ग की ओर आ जाओ, जहाँ से परिक्रमा चालू होता है इस्कॉन पुलिस चौकी से, वहाँ से आप परिक्रमा मार्ग से केशीघाट आ जाओ। केशीघाट आपको 10-10 रुपये लेंगे या 20-20 रुपये लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। आप अगर प्राइवेट भी करोगे तो मत करना प्राइवेट, अब अगर 5 बंदा भी हुआ तो एक टमटम में 5 बंदा वो ऐसे, अब 10-10 सवारी या 20-20 सवारी करके चढ़ करो, चढ़ने के बाद आप आराम से आ जाओ। आने के बाद आप अच्छे से दर्शन करो, फिर आपको यहाँ अभी कार्तिक के महीना चल रहा है, कार्तिक महीना आने वाला, सितंबर महीना चल रहा है, अभी कार्तिक महीना शुरू होगा आपके अक्टूबर में, तो अक्टूबर में जब कार्तिक महीना थोड़ा परेशानी भी होगा ना, और फिर भी अगर अच्छी जानकारी होगा तो और अच्छे गाइडलाइंस लोगे तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग धाम दर्शन करने के लिए कोई गाइडनेस भी अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे इस चैनल में डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर है, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर भी मैं बता देती 8218735588 इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा फेसबुक लिंक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम लिंक और टेलीग्राम की लिंक्स, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स, ये सब चीज़ मैं आपको यहाँ पे दे चुका हूँ, मेरा फेसबुक पेज की भी लिंक दे चुका हूँ। अगर आपको संपर्क करना हो तो आप कैसे भी तरीके से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप किसी को अगर भेज रहे हो तो अगर दर्शन करने के लिए आपको गाइडेंस चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा रखते इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिल गया होगा, तो मैं अलग अलग भी फिर भी वीडियो आपको बना के दिखाएंगे पूरी वृंदावन की, जैसे कैसे आपको बाकी बिहारी आना है, कैसे राधा रमन आना है, कैसे निधि बनाना है, कैसे राधा दामोदर मंदिर आना है, कैसे गोविंद देव मंदिर आना है, कैसे बंशीभट आना है, कैसे गोवर्धन जाना है, ये सभी चीज़ आपको इस चैनल में बहुत अच्छे से मिल जाएगी। तो मेरे पास अच्छे फ़ोन नहीं है, इसलिए मैंने एक नॉर्मल फ़ोन से मैं अपनी वीडियो बनाते रह रहा, तो अगर इसमें थोड़ा क्वालिटी के अच्छे नहीं भी होगा तो आप लोग धीरज रखकर श्रवण करना, सुनना, अगर किसी को अगर इच्छा करे तो मन करे तो मुझे एक अच्छे फ़ोन डोनेट कर सकते, क्योंकि एक अगर अच्छे फ़ोन मेरे पास आ जाएगा तो मैं अच्छे से वीडियो बना सकते। तो कितना दिलदार वाले आदमी है, भगवान जी की सेवा के लिए, धाम की सेवा के लिए एक फ़ोन अगर कोई अगर इच्छा रखते तो हमें दे सकते, तो मैं अच्छी क्वालिटी वाली वीडियो आप लोगों को बना के दर्शन करा पाएंगे, नहीं तो इस फ़ोन से हमें करना होगा। तो क्वालिटी को लेकर कोई लोग दुखी मत होइए, ठीक है। तो मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ इस चैनल को सबके पास अच्छे एक जगह में खड़े करने के लिए, और क्या कहते हैं, पूरी वृंदावन धाम को अच्छी पूरी की पूरी दर्शन कराने के लिए। तो हरे कृष्ण, फिर बाद में मिलेंगे एक और नया वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, हरि बोल, जय हो श्री वृंदावन धाम की। तो एक और बार दर्शन कर लेते, ये वही कदम वृक्ष जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कालियाना का जुमुना में छलांग लगाकर दमन किया था। तो यहाँ प्रबलानंद सरस्वती महाराज जी जो उनकी समाधि मंदिर भी है, जिन्होंने एक मायावादी सन्यासी था, पहले महाप्रभु की शरण में आने के बाद उनको महाप्रभु की कृपा से उनको कृष्ण भक्ति प्राप्त हुआ, तो उन्होंने यहाँ के पास में भजन किया, और इस स्थान पे देखो भगवान श्री कृष्ण ने कालिया का दमन किया था, और इधर कालिया मंदिर है, और इधर परिक्रमा मार्ग भी है आगे, और इधर की ओर आपकी मदन मोहन जी है, बिहारी जी भी है, पूरी सब की सब दर्शन हो जाएगा वहाँ। हरि बोल।